आदरणीय फाल्गुनी जी मित्रा और सभागार में बैठे सब मित्रों को का मैं स्वागत करती हूँ। भारतीय भाषा परिषद आभारी है मित्रा जी के, जो आज हमारे यहाँ ध्रुपद का गायन करेंगे। और इनकी खास बात ये कि चारों बानियाँ ये हमें बताएंगे, गा के सुनाएंगे। ये बहुत ही अतुलनीय चीज़ ये कर रहे हैं और इनका मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ मीना बैनर्जी का, जो हमारे साथ हैं और इनको भी लास्ट वीक ही मीडिया एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। हमें बहुत खुशी है। इनको संगीत का भी ज्ञान है और ये बहुत अच्छा साहित्य का भी ज्ञान रखती हैं और संगीत के प्रोग्राम में चार चांद लगा देती हैं। अब मैं कुसुम जी से अनुरोध करती हूँ पुष्प स्तबक से सबका स्वागत करें। फाल्गुनी जी मित्रा, मीना बैनर्जी हारमोनियम पर, प्रदीप जी पालित तानपुरा पर हैं, सौम्या दत्त और विश्वनाथ जी बंदोपाध्याय। पखावज पर विश्वनाथ जी बंदोपाध्याय। अपूर्व लाल हम सब अपूर्व लाल मन्ना, हाँ पखावज पर अपूर्व लाल मन्ना सॉरी। हम सब कलाकारों का स्वागत करते हैं और आप लोग तालियों से सबका अभिवादन करें। हाँ तानपुरा पर मैंने बोला है, तानपुरा पर है सौम्या दत्त और विश्वनाथ जी बंदोपाध्याय। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। अब मैं मीना जी बैनर्जी से बोलती हूँ, वो कार्य का संचालन करें। थैंक यू। धन्यवाद बिमला जी, उपस्थित सभी सुधीजनों को हमारा सबका प्रणाम। भारतीय भाषा परिषद द्वारा आयोजित राग रस साहित्य की इस कड़ी में आज एक बार फिर पंडित फाल्गुनी मित्रा हमारे बीच आए हैं। इसके पहले एक और राग रस साहित्य की एक कड़ी में हमें इनका साथ मिलने का सौभाग्य मिला था। उस समय नृत्य संबंधित जितने भी पद थे वो पंडित जी ने गाए थे। आज का ये अनोखा कार्यक्रम है इसलिए क्योंकि अमूमन हमको सुनने में मिलता है कि ध्रुपद की चारों बानियाँ अब विलुप्त हो गई हैं, लेकिन वाकई क्या वो विलुप्त हुई हैं? आज इसका उत्तर पंडित जी अपनी गायकी से देंगे और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सहज सरल भाषा में शास्त्र की जो बात है उसको जितनी सहजता से संभव है कहने की कोशिश करूंगी। आज इस मंच पर उपस्थित हैं हमारे साथ पखावज पर, जैसे कि कहा, श्री अपूर्व लाल मन्ना जी। ये सुप्रसिद्ध पखावज वादक हैं और ध्रुपद की गायकी के साथ जब तक ना बिल्कुल रम जाए कोई, पखावज में संगत करना बहुत कठिन कार्य होता है। तो अपूर्व जी ने इसको बिल्कुल अपने में रमा लिया है और आप देखेंगे कितनी सुंदर ढंग से ये संगत करते हैं। हारमोनियम पर हैं श्री प्रदीप पालित जी। हालांकि भारतीय संगीत ऐसा है, शास्त्रीय संगीत खास तौर से, जिसमें मींड और गमक ये दोनों ही हारमोनियम पे नहीं मिलते हैं, असंभव है बजाना, लेकिन कलाकार अपनी योग्यता से उस कमी को पूरा कर देते हैं, उसकी भरपाई कर देते हैं। इसलिए प्रदीप जी हमारे बीच में इसी कारण उपस्थित हैं। हारमोनियम ऐसे इतना लोकप्रिय वाद्य बन चुका है
कि हालांकि वो भारतीय संगीत के योग्य नहीं है, फिर भी आपको देखेंगे, आप दिखेगा कि गांव-गांव में हारमोनियम की हर जगह प्रसिद्धि है। तो एक तो आसानी से मिलने वाला वाद्य है, दूसरे कलाकारों ने इसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है कि ये ध्रुपद के साथ भी बजता है। और पंडित जी इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी, उनका एक योगदान रहा है कि वो हारमोनियम को ध्रुपद के साथ लेके बैठते हैं। अमूमन जो शास्त्र को कट्टर ढंग से मानने वाले लोग हैं, वो लोग ध्रुपद के साथ हारमोनियम का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये भी एक क्रांतिकारी पदक्षेप है। साथ में हमारे तानपुरे पे पंडित जी के दो शिष्य हैं, सौम्य दत्त, जो कंठ में भी उनका साथ देंगे, और विश्वनाथ बंदोपाध्याय। तो हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं सरस्वती वंदना से। बसंत का आगमन हो चुका है, तो बसंत राग में और डागुर बानी में सरस्वती वंदना सुने। नमस्कार, मैं भारतीय भाषा परिषद के सज्जनों से बहुत आभारी हूँ आज के आमंत्रण के लिए। मैं पहले भी आ चुका हूँ, जैसा मीना जी ने बताई, और जब हम पहले आए थे बहुत ही आनंद आया था, बहुत आनंद मिला था। एक बात हम विशेष रूप से बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो पहले का जो प्रस्तुति और आज का प्रस्तुति, इसका पूरा क्रेडिट श्रीमती मीना बनर्जी जी को देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट, ये भावना, और जैसे ये आप लोगों को शायद मालूम है, ज़रूर मालूम होगा, जो मीना जी एक बहुत अच्छी गायिका और संगीतविद हैं, और उनको उनकी जो ज्ञान है वो हाँ सब लोगों का मानना चाहिए, क्योंकि वो म्यूज़िक का अंदर जाते हैं, सुपरफिशियली कोई रिव्यू नहीं करती हैं। तो इसलिए हम भी बहुत आभारी हूँ मीना जी के पास, जो उन्होंने कहा, जो आज की जो संगीत संध्या है इसमें ध्रुपद तो है ही है, लेकिन ध्रुपद का कुछ अहम बातें जैसे कि बाणी और अलंकरण थोड़े बहुत हम दिखाएंगे, सुनाएंगे आप लोगों को, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। नमस्कार। ये आराधना संगीत जो ध्रुपद, तो ऐसे हम लोग कहते हैं, वो पहले तो टेंपल म्यूजिक रहा ना, आराधना संगीत। तो जब हम लोग शुरू करते हैं तो एक फ्रेज हम लेते हैं, ओम त्वं अनंत हरि नारायण। और ये भी देखा जाता है, करीब 600-700 साल आप पीछे चले जाइए, आप लोग देखिएगा, जो तब जो पद बनता था, रचनाएं होते थे, उसमें देव देवी की अर्चना, आराधना, उपासना, ये एकदम बहुत गंभीर से ये किया जाता था, बहुत सीरियसली।
तो टेंपल म्यूजिक तो रहा, उसके बाद ये दरबार म्यूजिक हो गया आस्ते आस्ते, जैसे कि राजा महाराजा, मुगल सम्राट, ये सब। तब ये सब का साथ ये अर्चना संगीत का साथ सम्राट राजा राजाओं का उनका भी स्तुति होने शुरू हो गया। तो जो हम आज सुनाएंगे आपको ये राग बसंत, अब तो बसंत सीजन है जैसे मीना जी ने बताई, और ये बसंत राग बसंत और झपताला में है, 10 मात्रा की झपताला। तो इसका 4 अंश हैं, जयति वाक बानी देवी सरस्वती, हंस बाहिनी तू ही विधु जाया, अंतरा है शारदा वीणा पानी विद्यादानी, शुभ्र वसना मातु महामाया, संचारी है तू ही मृदानी दयानी भवानी, अघ कलुष नाशिनी योग माया। आखिर में आभोग होता है, आभोग ऐसा है, तेरो प्रसाद ते धर्म अर्थ मोक्ष काम, चारों फल पावे नर सोमेश गाया। ये हमारा बेतीय घराने के एक पद है। Oh,
सरस्वती वंदना डागुर बानी में। ध्रुपद की चार बानियां, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, चार बानियां हैं, डागुर बानी, गौरहर बानी, खंडार बानी और नौहार बानी। आजकल संगीतज्ञ जो कहलाते हैं, जो ध्रुपद प्रस्तुत करते हैं, ज़्यादातर शास्त्र से कुछ कटते चले जा रहे हैं। ये आज का हर कहीं का ये एक कॉमन सीन हम देख पाते हैं कि जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनसे हम लोग कटते चले जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण एक तो ये है कि हम अपनी भाषा भूल रहे हैं, अंग्रेजियत में इतने रम रहे हैं कि संस्कृत से तो परिचय है ही नहीं, अपनी जो बोलचाल की भाषा है हिंदी है उसको भी हम भूलते चले जा रहे हैं। तो ना तो हम साहित्य समझते हैं, ना उसमें जो निहित गूढ़ तत्व होते हैं उसको समझ पाते हैं, और ना ही शास्त्र को हम जानते हैं। तो किसी ने कह दिया कि अरे बानी तो ख़त्म हो गई, तो बस उसको हमने विश्वास कर लिया कि बानियाँ आजकल है नहीं। तो ऐसा क्या होना चाहिए? नहीं ना, हम किसी व्यक्ति को नकार सकते हैं लेकिन उसकी विद्या को तो नहीं नकार सकते। तो अपनी जो हमारी धरोहर है उसको कैसे हम नकार दें? इसी पे चर्चा होते हुए होते समय हमने देखा कि पंडित जी के पास इतनी कॉम्पोजिशंस हैं। ध्रुपद एक पद, जैसे आप जानते हैं ध्रुव पद, तो ये पद प्रधान गायकी है जिसमें साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य होता है। तो पद प्रधान गायकी जो है इसमें बानी का बड़ा महत्व होता है, और उसके साथ जब संगीत जुड़ता है तो वो और भी उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बानी जो है वो सिंपल भाषा में अगर हम कहें एक व्यक्ति के कहन की तरह से होता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरा अपना एक कहने का तरीका है, उसमें मैं जो पॉज लेती हूँ वो मेरा अपना है, वो कोई दूसरा उस तरह से नहीं कर सकता है। इसी तरह से एक और छोटा सा एग्जांपल दूँ, पंडित शिव कुमार शर्मा